कुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णपाल राठौर, आप देख रहे हैं धर्म दर्शन। मेरे साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। आपको बता दें कि हम राम घाट पर इस वक्त बैठे हुए हैं। आपको रामघाट के पूरे दिव्य दर्शन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लीजिए कि किस तरह से प्रभु राम का एक घाट सजा हुआ है, बना हुआ है और कितना अद्भुत ये नज़ारा है। इस अद्भुत नज़ारे में हम आपको नाव के जरिए से दिखाएंगे रामघाट के पूरे दर्शन। कुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णपाल राठौर, आप देख रहे हैं धर्म दर्शन मेरे साथ। जी हाँ, इस वक्त हम राम घाट पर मौजूद है और क्या भव्य नज़ारा राम घाट का। आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे मंदिर बने हुए हैं राम घाट पर। हम बीचों बीच राम घाट के मौजूद हैं और बोटिंग कर रहे हैं, आपको दर्शन दिखा रहे हैं प्रभु राम के घाट के। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा वहाँ पे, खूबसूरती का जायजा भी आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये पूरा मंदिर बना हुआ है, अद्भुत यहाँ की महिमा है। आपको बता दें कि जिस तरह से नाव में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, देखने लायक ये नज़ारा है। अगर आप उज्जैन आए तो एक बार राम घाट जरूर आए, काफ़ी मज़ेदार नज़ारा आप यहाँ का देखेंगे। आप देखेंगे कैमरा घुमा कर अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं प्रकृति भगवान ने बनाई है यहाँ पर आकर के पता चलता है। आप देख सकते हैं कि इतनी दूर से हम अगर आपको मंदिर दिखाएं तो कितनी खूबसूरत मंदिर ये लग रहे हैं। अगर आप उज्जैन में आए तो इस नज़ारे को मत चूकिएगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जब कुंभ का मेला लगा था तब लाखों श्रद्धालुओं ने इसी राम घाट पर स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित किया था। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि इतना दिव्य जल, ये इतने दिव्य जल के बीच में इस घाट पर इतने प्यारे प्यारे मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर का ये लाइव नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और धर्म दर्शन आप देख रहे हैं कृष्णपाल राठौर और रवि धाकड़ के साथ। उज्जैन में हम मौजूद हैं और इसी धर्म कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।